एक हार्श रियलिटी आपके साथ ये हो गई है कि आपको ना एक्चुअली कुछ समझ में आया ही नहीं है, तो आपको लग भी रहा है ना कि वो आया है, वो आप सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि आ गया है। आपकी जो सिचुएशन है ना, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में क्यों आया आपको पता है, मेरे साथ भी ना वैसे ही हुआ था। मैं जून में मेरा सीपीटी निकला, उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, एंड अप टू दिसंबर, दिसंबर में जाकर के मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह कोचिंग ले ली है। मेरा मई में अटेम्प्ट था, देन आई स्विच्ड, एंड देन मेरा भी सिलेबस अप्रैल तक खत्म हुआ जाके। और मेरा तो ये हाल था कि 1 अप्रैल को मेरे 3 सब्जेक्ट पेंडेंट थे, ऑडिट, उस समय ITSM हुआ करता था एक वो, और तीसरा लॉ। इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी एज वेल, बट येस, इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर कमिटेड एंड यू आर फुली फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज, यू आर एबल टू मेक इट। हुआ सर, मुझे दोनों ग्रुप्स देना है एंड ये वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट क्योंकि मैंने कोई क्लासेस एनरोल किया था पहले, तो वहाँ पे ना एक्चुअली बहुत कुछ फैकल्टीज का समझ रहा था तो कुछ का नहीं समझ रहा था, और कुछ मतलब उनका जो मॉड्यूल्स है ना वो करके और फिर ICI में स्विच करना, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। और मतलब क्योंकि उनका टाइमिंग ऐसा था कि मुझे वो करने भी नहीं हो रहा था पूरा, तो फिर मुझे ना बहुत ये लग रहा था। तो फिर मैंने मई में ऐसा डिसाइड किया कि करूँ, मतलब स्विच कर लूँ यहाँ पे। फिर फाइनली मैंने बहुत करने के बाद अपने आप को कन्विंस किया कि हाँ हो जाएगा, फिर नहीं कर पाया तो फिर मैंने एटलास अभी ज्वाइन किया 10 डेज ago। तो सर मुझे ना एक्चुअली, मैं जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि आपने बोला कि सिलेक्टिव टॉपिक्स, क्योंकि अभी इतना टाइम का इश्यू है तो लाइक 75% ही करूँ, तो सर मैंने उनके इसमें से करने की कोशिश की, मतलब जो सिखाया था, बट वो कॉन्सेप्ट में ना मुझे ग्रिप ही नहीं बैठा था। तो मतलब मैंने देखा तो फिर वापस मुझे आपके सारी, मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो लेक्चर देखा, और उसके बाद जब कर रहा हूँ तो मुझे ग्रिप आ रहा है। तो सर थ्योरी के लिए भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, मैं समझ नहीं। आपको क्या है कि ना, एकदम आप ये मान के चलो कि आप जीरो लेवल से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। आप पहला टारगेट ये रखो कि मुझे ना दो दो सब्जेक्ट उठा के 75% खत्म कर दें, ठीक है ना, और उसका साथ में परफेक्ट प्रैक्टिस और टेस्ट देते हुए चलना है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक थोड़ा अपने स्टडी आवर्स आपको जो है दिन में 10 से 12 घंटे रखने पड़ेंगे, हो सकता है थोड़े और ज्यादा भी करने पड़े, 13-14 घंटे तक, लेकिन येस, करने का तरीका आपका एकदम ठीक है अमर, ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। सर मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे थोड़ा 5-6 दिन बहुत ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा है मुझसे, मतलब नेगेटिविटी बहुत आ गई थी, डिप्रेस थोड़ा सा टाइप कि क्या करूं, मतलब टाइम का। बट आपने जैसे वो वीडियो वगैरह डाला कि नहीं 4 महीने में भी हो सकता है, तो थोड़ा सा लाइक कर पा रहा हूँ, सो आई एम एबल टू मैनेज। बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप कौन से स्टेट से हैं? सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ एग्जैक्टली है? मुंबई? नवी मुंबई। मैं जितना आपको समझ पा रहा हूँ ना, देखो एक हार्श रियलिटी आपके साथ ये हो गई है कि आपको ना एक्चुअली कुछ समझ में आया ही नहीं है, जो आपको लग भी रहा है ना कि वो आया है, वो आप सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि आ गया है। बट हाँ सर, मे भी, मतलब मुझे, मतलब एज इन स्टार्टिंग में जब मैंने कोर्स एनरोल आपके यहाँ पे किया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद से वो, मतलब उनका नोटबुक, मतलब जैसे उन्होंने बोला था, मतलब जब मैंने कोर्स आपके यहाँ पे एनरोल नहीं किया था, मैंने ऐसा उन लोगों ने बोला था कि एज एन गाइडेंस जो दिया था ना कि आप वो थ्योरी 2 बार गो थ्रू करना और उसके बाद करना, बट सर वो ग्रिप ही नहीं आ पा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट वगैरह है कुछ याद, मतलब है ही नहीं दिमाग में, ऐसा लगा। फिर जब आपके यहाँ पे, क्योंकि मैं फाउंडेशन में भी आपका ही स्टूडेंट था, तो मुझे, मतलब फिर मैंने सोचा कि मुझे ग्रूमिंग में ही लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने स्विच नहीं करना था मुझे, बट मुझे घर वालों ने बोला कि लाइक ऑफलाइन में एक होता है, इसीलिए फिर मैंने एनरोल किया, वरना मैंने ग्रूमिंग में ही किया था सर आपके यहाँ से। कुछ नहीं होता, घबराओ मत, इसको मैं हमेशा कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, तो उस चीज के लिए आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है ना? टू हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट दैट। सो फर्स्टली देखो, हम ना ग्रुप 1 के साथ अपना शुरू करते हैं तमीज से, हम दो पेपर्स को उठा लेते हैं, एक अकाउंट्स को और एक टैक्स को, ठीक है ना? हाँ, अंदर आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर मुझे पूछना था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या पूरा थ्योरी बेस्ड है? मतलब मैं पीपी बुक देख रहा था, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है उसके अंदर, तो व्हेन यू विल वॉच द वीडियो लेक्चर्स यू विल कम टू नो, एंड जब उसके पीपी के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो हो जाएगा। तो
इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस हायर परचेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये, और टैक्सेशन में सबसे पहले जीएसटी। आप ये टारगेट रखो कि मुझे अगले 15 दिन के अंदर जो है इसको कवर अप करना है सारा का सारा, तो लगभग आपका 55 नंबर का अकाउंट हो जाएगा और 40 नंबर का आपका टैक्स हो जाएगा। 15 दिन का मतलब 15 दिन है कि वो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें मेरे को वीडियो देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, पीपी बुक करनी है, और हो सके तो कम से कम ठीक है ना, और कुछ नहीं, ना इधर ना उधर। 15 दिन बाद वैसे आप सेशंस में कनेक्टेड रहिए, कोई दिक्कत आए तो बात करिए, फिर 15 दिन नया टारगेट डिसाइड करिए। सर मतलब एज इन दो सब्जेक्ट लेके करूं, मतलब मेरा चारों मतलब आटो पेपर्स हो जाएंगे ना मतलब ऑन टाइम? देखो तो मैं अभी इस चीज पे ना एग्जैक्टली कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ। मैं एक चीज ये कहूंगा कि मैं आपको गोल्ड ग्रुप दिलवाता हूँ नहीं दिलवाता, ये डिपेंड करेगा कि आप मेरे साथ कितना सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के अंदर। सपोज आप ये 15 दिन में अपना टारगेट अचीव करते हैं, क्या टेस्ट में नंबर आए हैं वो मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं ये प्लान कर पाऊंगा कि आपको मैं गोल्ड ग्रुप दिलवाऊंगा या एक ग्रुप दिलवाऊंगा। ओके ओके सर, ठीक है ना। देखो कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो जाए। हाँ ओके सर, तो अभी आप माइंडसेट ये मत करिए कि मुझे क्या करना है, कितना पढ़ना है, उतना छोड़ना है, ये सब चीजों में मत पड़िए। दूसरी चीज ये मत सोचिए मेरे साथ क्या हुआ, आपकी जो सिचुएशन है ना, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में क्यों आया आपको पता है, मेरे साथ भी ना वैसे ही हुआ था। मेरा फाउंडर सीपीटी में ना जून में मेरा सीपीटी निकला, उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, एंड अप टू दिसंबर में जाकर के मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह कोचिंग ले ली है, और मेरा मई में अटेम्प्ट था, देन आई स्विच्ड, एंड देन मेरा भी सिलेबस अप्रैल तक खत्म हुआ जाके, और मेरा तो ये हाल था कि 1 अप्रैल को मेरे 3 सब्जेक्ट पेंडेंट थे, ऑडिट, उस समय ITSM हुआ करता था एक वो, और तीसरा लॉ। इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी एज वेल, बट येस इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर कमिटेड एंड यू आर फुली फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज, यू आर एबल टू मेक इट। सर तो आपको कितना मिला वो जो 3 पेंडिंग सब्जेक्ट थे? पास हो गए, टू बी वेरी फ्रेंक, हमारे टाइम पे ना रिजल्ट आया था 2.5%। मेरे 80 फ्रेंड्स सीए कर रहे थे मेरे साथ, 79 फेल हुए, पता नहीं मैं कैसे पास हो गया। नॉनetheless वो एक सिचुएशन थी, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आप इसमें इकलौते फंसे हैं, होता है काफी जगह होता है, लेकिन ये सब वक्त रहते हैं, हम सही राह पे आ जाए भाई। अभी भी तो भगवान ने बुद्धि दी ना कि आप इस रास्ते पे आ जाओ, यस सर, वो शायद आपके लिए कुछ भला ही सोच रहा है, बस अब आपको एफर्ट्स मारने, ऊपर वाला सब संभाल लेगा, डोंट वरी। यस सर, एंड अच्छा ही हुआ कि सर आप पास हो गए, वरना हमें अच्छे फैकल्टी कैसे मिलते आप जैसे, वरना पता ही नहीं चलता कि कैसे, मतलब वो लोग एज एन बताते, एक तो रैंक आ जाएगा या तो वो फेल हो जाएंगे, बट एक मतलब बीच का रास्ता नहीं ये सजेस्ट करते कि कैसे मतलब एज एन एक सेफ जोन आ जाए, तो मतलब वो सेफ जोन, क्योंकि मैंने फाउंडेशन में बहुत सिलेक्टिव अप्रोच से ही किया था, और जलवा जून में फर्स्ट अटेम्प्ट था तो वो वाला नहीं हुआ था, बट उसके बाद नवंबर दिसंबर में मैंने दिया था, तो वो जलवा सीरीज कहीं ना कहीं मुझे मैथ्स का जो फोबिया था उसमें मैंने सिलेक्टिव से ही किया था, एंड सर मैंने फीडबैक भी मतलब वो मतलब गूगल में दिया था जब आया था, तो मैथ्स में मुझे मैंने 53 क्वेश्चन, क्योंकि आपके पूरा वो मतलब गाइडेंस फॉलो किया था कि नेगेटिव मत अटेंड करना, तो मैंने एक भी नेगेटिव वाला मतलब जिसमें चांस था वो नहीं अटेंड किया था, कि मैंने आपके यहाँ पे पढ़ाई के साथ विदाउट वेस्टिंग यू अ सिंगल सेकंड, नाउ स्टार्ट विद योर स्टडीज इन सीए इंटर। यस सर, मुझे पूछना था एक लास्ट डाउट कि मतलब अभी चारों सब्जेक्ट लूं या दिन को दो ही सब्जेक्ट? जस्ट अकाउंट्स एंड जीएसटी, यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली, नथिंग एल्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।